ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की दो पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और रायपुर के ट्रिपल आईटी और दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह, विद्यार्थियों को दिए गए स्वर्ण पदक और उपाधियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के लिए आवंटित बजट बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। पहले इस मद में आवंटन 70,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सिर पर छत और हर गरीब के लिए घर के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतर भविष्य का सपना साकार कर रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की दो पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सरगुजा जिले की जनपद पंचायत लुंड्रा की ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरी के ग्राम साकरा को दिया गया। ग्राम पंचायत नागम के सरपंच भंडारी राम पैकरा तथा ग्राम पंचायत साकरा की सरपंच शशि ध्रुव ने केंद्रीय मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास गिरिराज सिंह के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा साकरा को स्वास्थ्य पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन को के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 82वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा की। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 82वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का भगवान बिरसा मुंडा पर विचार, जिसमें उन्होंने लोगों से उनसे प्रेरणा लेने की अपील की है। भारतीय साहित्य और शास्त्रों में प्रकृति और पर्यावरण के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखने का संदेश दिया गया है। भारत में कई महापुरुष हुए जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। ऐसी हस्ती रहे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण प्रेम का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल फूकने वाले सेनानी भी रहे हैं। 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें बिरसा मुंडा के इन्हीं रूपों में याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट भी किया है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नया रायपुर स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रिपल आईटी में आज तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री प्रदान की। ट्रिपल आईटी के 3 विद्यार्थियों को पीएचडी, 15 विद्यार्थियों को एमटेक और 113 विद्यार्थियों को बीटेक की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने ट्रिपल आईटी द्वारा कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राज्य और देश के निर्माण में करें। वहीं दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह भी आज आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में 126 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और 13 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही पद्मश्री उषा बारले को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। रायपुर जिले के चंदखुरी में आयोजित 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का समापन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में होगा। इस दौरान देश के मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर भक्तिमय गीतों की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मशहूर गायिका तृप्ति शाक्या भी भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। वहीं स्थानीय महिला मानस मंडली द्वारा रामायण मानस गायन की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। कौशल्या माता मंदिर परिसर में आयोजित इस महोत्सव में आज मुख्यमंत्री रामायणी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली रामायण मानस मंडली के कलाकारों को सम्मानित भी करेंगे। महोत्सव में कल लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर के अलावा कविता पौडवाल, प्रभंजय चतुर्वेदी ने अपने भक्तिमय गीतों की शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत के साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत मौजूद थीं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने रामनामी समुदाय के राम भक्तों और प्रदेश की विभिन्न मानस मंडलियों को सम्मानित किया। सरगुजा जिले में बारातियों से भरे एक पिकअप वाहन के पलट जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग बासेन के रहने वाले हैं जो बारात में मेंड्रा आए हुए थे। वापसी में जजगा के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यभर के श्रमिक हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं 2 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों का तथा 3 मई को ग्राम कोटवार, पटेल और होमगार्ड्स का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलनों की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 मई को छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय खाद्य परंपरा के अनुरूप ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें बोरे बासी का स्वाद लेकर नागरिक श्रमिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज फिर मौसम का मिजाज बदल गया है और कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अंधड़ और बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। खासकर बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग में आकाशीय बिजली गिरने की अधिक संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी की ओर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी युक्त हवा आ रही है। इसके कारण अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने तथा ओलावृष्टि की भी आशंका है। इस बीच गरियाबंद जिले के भिलाई गांव में आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 3 बच्चे घायल हो गए हैं। एक बालक को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। अन्य लोगों का इलाज गरियाबंद में किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी ब्लड सेंटर रायपुर द्वारा बलौदा बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा सहित 500 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर के पटवारियों ने आज नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में प्रदर्शन किया। ये पटवारी नौकरी में वेतन विसंगति दूर करने और राजस्व निरीक्षक पद में योग्यता अनुसार प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं।
शासकीकरण की मांग को लेकर कोरबा में ग्राम पंचायत सचिवों ने आज से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर बीते 26 मार्च से हड़ताल पर हैं। रायगढ़ जिले के खरसिया में 5 साल की बच्ची को अमानवीय यातना देने के आरोप में एक शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया। मध्य रेलवे के मुंबई रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य के चलते आगामी 30 सितंबर तक हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त कर दी जाएगी और महासमुंद के रोजगार कार्यालय में कल 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और रायपुर के ट्रिपल आईटी और दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह, विद्यार्थियों को दिए गए स्वर्ण पदक और उपाधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।